नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। रुपयों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने की मारपीट। गुना कैंट पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए फरियादी को बनाया आरोपी। गुना कैंट पुलिस पर लगे पैसे के लेन देन के गंभीर आरोप। फरियादी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिले के एडिशनल एसपी से की न्याय की गुहार। जी हां, गत दिवस फरियादी दिलीप रघुवंशी के साथ चीनी उर्फ हर्षित शर्मा ने पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट कर दी। फरियादी दिलीप रघुवंशी के अनुसार जब वह कैंट कोतवाली में रिपोर्ट करवाने गए तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, गलत रिपोर्ट लिखी गई और खुद फरियादी को और उनके साथ आए प्रशांत शर्मा पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फरियादी के अनुसार पुलिस थाने में मौजूद लोगों ने रिपोर्ट लिखने के एवज में रुपए की मांग की। फरियादी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिले के एडिशनल एसपी से न्याय की गुहार की। गुना से जिला ब्यूरो चीफ राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। किसने करी? कब की है ये घटना? 8 तारीख रात 9 बजे। कौन सी जगह की है? संजय स्टेडियम के कोने पर। तो आपका उसमें क्या नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान हुआ, मेरे साथ में मारपीट हुई सर। मारपीट हुई तो मेरे कपड़े फाड़ने के बाद में मेरे मारा और भी मारा। मारने के बाद में मेरे 7,800 रुपये स्टेडियम में सर छीनी ले गया। तो आपको जब जो 7,800 रुपये ले गए आपके साथ मारपीट हुई इस घटना की, आपने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई? कोतवाली में रिपोर्ट करने की मैंने बोला तो वो हर्षवर्धन बोलता है मेरे से तो मेरे भोपाल ने तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके बाद में फिर कौन है उसके भोपाजी? तो आपकी साथ में रिपोर्ट करवाने के लिए कौन गया था? मेरे साथ में गए थे मियाना वाले महाराज। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रसाद महाराज। तो हमें जानकारी मिल रही है कि आपके ऊपर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा है? हाँ सर, मेरे ऊपर और प्रसाद महाराज के ऊपर, दोनों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया है। तो अब आप क्या चाहते हो सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे को और प्रसाद महाराज को न्याय मिले, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। नाम है आपका? प्रशांत शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता हूँ जी। क्या परेशानी है आपके साथ? 8 तारीख को शाम को दिलीप रघुवंशी के संगे बस चलाता उस पर मारपीट हुई। वो गाड़ी बस चलाता मुकेश चौहान जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सीबरी भाजपा, उनने मुझे कॉल किया कि मेरे ड्राइवर के संगे मारपीट हुई है, लूट हुई है, आप जाओ। मैं म्याना था तो मैं वहाँ से क्या है निकला और निकल के उसके बाद में मैंने उसकी कंप्लेंट करवाने गया। सिटी कोतवाली पहुंचा, सिटी कोतवाली बारे बोले कैंट थाने का मैटर है, तो मैं कैंट में पहुंचा। वो कैंट में पहुंचने के बाद में मैंने मुकदमा काम करवाया। तो ये थे जो मेरे पास ये फोटो है, नाम नहीं जानता, कोई भगवान लाल साहू बता रहा है। इनने 5,000 रुपये मांगे कंप्लेंट कराने के, तो कंप्लेंट नहीं करी। कंप्लेंट जब होगी जब 5,000 रुपये दो, तो हम वापस लौट के आ गए। उसके बाद में दूसरे दिन इनने कंप्लेंट मेरे ऊपर उल्टा, इसके सहयोग करने के जुर्म में मुझ पर झूठी मुकदमा कायम कर दिया कि ऐसा सहयोग कर रहा था। एक दीवान जी का फ़ोन आया, बोले एक काम करो आपके ऊपर मारपीट की मुकदमा कायम हो गई। भैया किस मैटर में हो गई मुकदमा कायम? बोले पुलिस है सब कुछ कर सकती है, जिसका मेरे पास सबूत है, दीवान जी का रिकॉर्डिंग कर रखी थी मैंने उनकी। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यकर्ता और सहयोगी के ऊपर मुकदमा झूठा कायम करें। मैं न्याय चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ न्याय करें। वो मीडिया से निवेदन है, ये खबर सीएम साहब तक पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचे। तो ये कब की घटना है? 8 तारीख की है, 9:15 बजे की। जो झगड़ा हुआ था? जो झगड़ा हुआ था, मेरे पास उसके भी सबूत है, मेरे मोबाइल के लोकेशन और मेरे संगे जितने लोग थे मैं जिनका काम करने गया था जनता का, तो वो पूरे मेरे साथ कम 50 लोग थे। जानकारी मिली है कि आपने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी थी? सीएम हेल्पलाइन में मैंने दिलीप रघुवंशी से कंप्लेंट कराई थी, अब इनने मेरी रिपोर्ट कंप्लेंट दिलीप रघुवंशी की नहीं लिखी, तो मैंने सीएल हेल्पलाइन पे करवाया था। उसमें सीएल हेल्पलाइन लूट 7800 रुपये लूट का मुकदमा कायम है। और इन्होंने केंट कोतवाली ने कौन सी धारा लगाई है? केंट कोतवाली ने कैसी FIR दर्ज करी है? FIR पता नहीं है, मेरे पास दीवान जी का फोन आया था, उनके पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बोला था। मैंने कहा कैस कर सकते हो? बोले सब कुछ कर सकते हैं, पुलिस कुछ भी कर सकती है। और कल मैंने एडिशनल SP साहब को आवेदन दिया है, उन्होंने TI साहब को बोला है
केस की वो करो, तो मेरी अब तक मेरे पास कोई खबर नहीं आई है और मैं इससे मानसिक पीड़ा हूँ झूठे मुकदमा से। तो अब आप क्या चाहते हैं शासन और प्रशासन से? मेरा झूठा मुकदमा कायम है, उसको हटाया जाए।